Hello and welcome back to ATTV. So right now I'm here at Borum Badminton Court, where the BJP district unit has scheduled the program for the awareness and adoption of the TB patients Abhiyan. It is organized by BJP to celebrate the 72th birthday of Narendra Modi. So let's go and have a closer look at how the program is being conducted. आज जो है एक हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन में जो इस महीना की 17 से शुरू हुआ सेवा पकुवारा का नाम में एक हम लोग एक पार्टी का ऑफिस से भारत सरकार से एक पार्टी का जो कार्यकर्ता को काम करने के लिए एक हम लोग को मौका दिया, तो उसी को हम लोग मौका को पैदा उताते हुए हम लोग जो है 17 से शुरू किया है और 17 से आज तक हम लोग काफ़ी प्रोग्राम कर चुका है और ये जाकर आपका 2 अक्टूबर का ख़त्म होगा गांधी जयंती में। तो इसी बीच में आज जो बुरुम में जो बुरुम का जो कम्युनिटी हॉल में आज जो है हम लोग प्री एक मेडिकल कैंप आज यहाँ का जो डॉक्टर नर्स उन लोग ने आकर यहाँ जो है एक कैंप रखा है और अभी चल रहा है। और साथ ही जो है हम लोग इसमें मेन आज का जो मुद्दा था कि हम लोग जो जितना टीबी पेशेंट है ईटानगर नाहरलगुन जो पवन बड़े डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें तुतिल आपका 618 है, 18 पेशेंट है अभी तक। तो इसको हम लोग एडोप करना है कि जो भी अच्छा बिजनेसमैन हो, अच्छा ऑफिसर हो, अच्छा पॉलिटिशियन हो, कोई एक ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है। एडोप मतलब आप जितना सकता है एडोप करना है और एडोप करके आपको इसमें सिर्फ इतना है कि जो टीबी पेशेंट को आपको महीना में 1-2 बार हेलो हाई करना है, आपका मेडिसिन टाइमली खा रहा है ना नहीं खा रहा है, आप टाइमली खाओ और एक उनका जो मनोबल को सपोर्ट करना है। और कभी उनका पास अगर समय जैसे मिलता है, कभी अगर अपील लेकर गया, कभी अगर आपका अंडा लेकर गया, कभी अगर आप हॉर्लिक्स भी अगर लेकर अगर देता है तो एक उनका मनोबल बढ़ेगा। तो एक उसको टीबी पेशेंट बोल के एक समय तो टीबी पेशेंट को बहुत गिन करता था, आदमी लोग उनका साथ जाता था नहीं जाता है, उनका साथ नहीं बैठता था, क्योंकि टीबी में ऐसे बहुत से टीबी ऐसे कुछ है टीबी है एक दूसरा में फैलता है टीबी, और कोई कोई टीबी तो ऐसे भी नहीं फैलता है। तो वो देखते हुए जिसका पास हो जो फैलने वाला अगर एक दूसरा में जाता है, उनमें आजकल तो मास्क है, मास्क पहन के आप बात कर सकता है उनसे, कुछ अच्छा सजेशन दे सकता है, अच्छा बातें कर सकता है। वो जो है एक जो है हम लोग मिल के और ईटानगर का जो बीजेपी का यूनिट जो है आज लगा हुआ है और आगे हम लोग 2 अक्टूबर तक ये हम काम करेगा। और मैं सभी को अपील करेगा कि जिसका पास खाने पीने का अवेलेबल है, अच्छा सोच विचार रखने वाला ये टीबी पेशेंट को अगर आप थोड़ा से उनको गोद लेने से और उनको अगर महीना में अगर 1-2 बार सजेशन देने से, टाइमली दवाई खाने का अगर आप थोड़ा से भी इंकरेजमेंट देने से उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका इम्यूनिटी बढ़ेगा, शायद वो मरते भी बच सकता है। और इसलिए वो जो है एक मतलब घर में कोई अगर इस धरती को छोड़ के जाता है तो बहुत तकलीफ होता है, अगर उससे अगर बचता है तो उनका फैमिली में बहुत खुशी होगा, बहुत आनंद मिलेगा। इसलिए सबको बढ़ चढ़ करके ये जो है जो एडोप्शन जो है लेने से अच्छा है। मेरा अपना हिसाब से हम जो ईटानगर का एक विधायक होने का नाते और एक बड़ा भाई होने का नाते सबसे ये अपील होगा।